कोयला। दोस्तों जहाँ कहीं पर भी कोयला की बात होती है आपको एक ही शहर का नाम याद आता है, वो है कोरबा। दोस्तों कोरबा जिले का खदान पूरे विश्व में कोयले के लिए फेमस है। यही बात करें दोस्तों यहाँ के ताप विद्युत केंद्रों में, तो दोस्तों कोरबा का कोयला पूरे कोरबा के सभी ताप विद्युत केंद्रों के साथ साथ यार पूरे छत्तीसगढ़ या फिर यार और भी कई सारे क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है। दोस्तों कोरबा जिले को ऊर्जा नगरी के साथ साथ कोयले का राजा जिला भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों यार इन कोयलाओं को खदानों से बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं है जितना हमको लगता है। दोस्तों जो खुला खदान होता है उसमें तो यार कोयला को निकालना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि इसके लिए कई सारे मशीनों का उपयोग या फिर यार कई सारे क्रेन होते हैं जिनसे यार कोयले को निकाला जा सकता है। लेकिन यार जो खदान के अंदर में कोयला होता है उसको निकालना बहुत ही कठिन होता है कि यार इस कोयला को कोयला के खदानों से निकाला जाता है और यार खदानों के अंदर में जाकर मजदूर कोयला को निकालते हैं। दोस्तों यार जो मजदूर खदान के अंदर जाते हैं उनको यार स्पेशल लाइट हेलमेट दिया जाता है, उनके हेलमेट पर लाइट लगा होता है और उनके पीठ के पास बैटरी लगा होता है। तो यार यह लाइट हेलमेट उन मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, क्योंकि यार इस लाइट हेलमेट में लाइट न होने के बाद यार वहाँ पूरा अंधेरा हो जाएगा और उनको कुछ भी नहीं दिखेगा। दोस्तों जो मजदूर खदान में नीचे उतरते हैं उनको यार लगभग 15 से 20 किलोमीटर अंदर जाना होता है या फिर यार उससे भी ज़्यादा अंदर जाना होता है। जहाँ पर खुदाई चल रही होती है वहाँ पर वो मजदूर जाते हैं और यार वहाँ पर कोयले की खुदाई करते हैं और यार वहीं पर कन्वेयर बेल्ट लगा होता है। वह कन्वेयर बेल्ट खदान से सीधा ऊपर लाया जाता है, उस कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से यार कोयले को ऊपर लाया जाता है। यार जो मजदूर कोयले के खदान के अंदर में उतर कर कोयले की काम करता है, कोयले को निकालता है यार उनकी जान खतरों से खाली नहीं रहता, क्योंकि यार कोयले को तोड़ने के लिए वहाँ पर यार बॉम्ब जैसे कुछ ब्लास्ट किया जाता है यार, जिससे कोयला टूट जाता है और यार उस कोयले को कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। तो दोस्तों यार कई बार होता क्या है कि ब्लास्ट होते ही यार वहाँ की ज़मीन तो कई बार होता क्या है नमी वाले क्षेत्रों पर ब्लास्ट करते वक्त यार वहाँ की ज़मीन धस जाती है और यार वहीं पर कई सारे मजदूर दबकर मर जाते हैं। तो दोस्तों यार उनका जान का खतरा तो रहता ही है और साथ ही यार उतना नीचे में वहाँ की गहराई यार लगभग बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर यार ऑक्सीजन भी बहुत कम होता है, तो ये कारण है यार उनकी जान बहुत ज़्यादा खतरे में होती है। तो यार इतना मुसीबतों के झेलने के बाद मजदूर कन्वेयर बेल्ट पर कोयले को डाल देते हैं और वह कोयला ऊपर आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से यार खदानों से कोयला को निकाला जाता है और यह कोयला यार पावर प्लांटों में या फिर अन्य क्षेत्रों में भेजा जाता है। तो दोस्तों यार मेरे को जितनी भी जानकारी आती थी उतना मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा भी यार और भी कई सारे चीज़ें हो सकती है। बाकी यार आज का वीडियो बहुत ही छोटा था, तो आज की जानकारी आपको कैसे लगा कमेंट में आप बता सकते हो। चैनल में नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार सपोर्ट बनाए रहना। बाय।